फिर से है जहां आसपास का हाईवे हादसों का हाईवे साबित हो रहा है। बता दें कि शुक्रवार को मोटरसाइकिल सवारों को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया, जिससे बहन भाई और 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में एक बच्ची जख्मी हुई है और उसे अस्पताल भेज दिया गया है। वही बता दें घटना अडूपुरा सिकरो में घटित हुई, लेकिन पुलिस 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची। 3 घंटे तक मृतक सड़क पर पड़े रहे, वही घायल बच्ची दर्द से चीखती रही। प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ लोग पर बैठ गए हैं, जिससे झांसी हाईवे पर दोनों ओर कई किलोमीटर का जाम लग गया है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए पीड़ित परिवार के सदस्य के साथ मारपीट की। इसके बाद सिरोल थाने के प्रभारी आलोक भदौरिया वहां पहुंचे और उन्होंने मृतक करण कुशवाहा के भाई के साथ मारपीट की। वही स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार में आक्रोश फैल गया है और वहां चक्का जाम करके वे लोग बैठ गए हैं। सिकरौदा चौराहे पर एक कंटेनर के द्वारा बाइक सवार परिवार को टक्कर मारी गई, जिसमें कुल 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। दो दुखद घटना हुई है, उसमें पुलिस और प्रशासन की टीम परिवारजनों से बात कर रही है। मौके पर अभी काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनके जनमानस इकट्ठा हो गया है। पुलिस ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर रही है। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जो परिवारजनों को आर्थिक सहायता प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जाती है, विपरीत परिस्थितियों में वो कराई जाएगी और जल्द ही सबों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।